हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस। दैट मींस ये हमारा फिफ्थ हेड है। इस फिफ्थ हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है क्योंकि बाकी जितने भी अगर आपने हेड कर लिए मेरे साथ, चैप्टर नंबर जो फिफ्थ में अंदर हमने डिस्कस किया था सैलरी हेड के दोनों पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने थर्ड हेड किया था, सेकेंड हेड किया था हाउस प्रॉपर्टी हेड। देन उसके बाद हमने कैपिटल गेन हेड किया था, उसके बाद हमने पीजीपीपी का हेड कर लिया। देन आज हमारा लास्ट हेड है अदर सोर्सेज हेड। दैट मीन्स अभी तक हमने हेड किए हैं, ठीक है, जो भी जैसे सैलरी हेड के अंदर कैसी इनकम आती थी, सारी की सारी सैलरी की इनकम आती थी, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैसी इनकम आती थी, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, उससे आने वाली इनकम आती थी। दैट मीन्स यहाँ पर रेंटेड इनकम आती थी, ठीक है। देन उसके बाद आपकी पीजीबीपी के अंदर कैसी इनकम आती थी कि जो भी आपके बिजनेस हुआ या फिर प्रोफेशन हुआ, बिजनेस दैट मीन्स ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो पीजीबीपी के अंदर आती थी। प्रोफेशन के अंदर क्या आता था कि जब हम किसी को सर्विसेज देते थे, ये यहाँ आती थी। देन उसके बाद कैपिटल गेन हेड था। कैपिटल गेन हेड का मतलब क्या है, कोई भी आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, उसको सेल करने के बाद जो भी गेन होता था वो यहाँ कंप्यूट होता था, राइट। अच्छा, हमने ये भी कर लिया, देन फाइनली आज पहुँच चुके हैं, लास्ट हेड है हमारा अदर सोर्सेज हेड, राइट। इसके नाम से देखो क्लियर हो रहा है, अदर मीन्स की इन सबको छोड़ के, मीन्स की इन जो भी हमने अभी तक एंट्री कर ली है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों हेड में कर लिया है, उसके अलावा जो भी चीज़ें बच गई है अब इसमें डाल दो। बहुत कम चीज़ें बच गई है, तो उन सभी कम चीज़ों को, मिस की जो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58-9 तक हमने डिस्क्राइब किया गया है इस हेड के अंदर। तो सबसे पहले भी इसका मतलब समझेंगे, अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है, देन चार्जेबिलिटी देखेंगे अंडर सेक्शन 56 बताता है, और वो बताएंगे कि जहाँ पर डिडक्शन अलाउड है अदर सोर्सेज हेड के अंदर 57 है, और जो नहीं अलाउड है वो 58 है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन बना हुआ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके लिए लेकर आई हूँ, राइट। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम पूरे सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद ही एग्जांपल करेंगे। ओके, करें स्टार्ट। ये बता दिया मैंने कि अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है, कि वो हेड है जहाँ पर इन सबको छोड़ के बाकी की जितनी भी बची हुई इनकम है वो यहाँ पर आती है। इसके अंदर सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इसके अदर सोर्सेज के रिगार्डिंग इन सेक्शंस के अंदर डिफाइन है। तो सबसे पहले अदर सोर्सेज का मतलब मैंने आपको बताया, क्या बताया, एनी इनकम विच इज नॉट चार्ज अंडर एनी अदर हेड। कोई भी ऐसी इनकम जो कि अभी तक किसी भी हेड में चार्ज की नहीं गई है, उसे हम क्या कहेंगे, अदर सोर्सेज हेड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टर की फीस हो गया, अगर कोई पर्सन है उसे डायरेक्टर की सिटिंग प्लान के लिए अकॉर्डिंग उन्हें बुलाया जा रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टर होता तो उसे सैलरी मिलती, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता, या उसका बिजनेस होता तो बिजनेस प्रोफेशन में होता, बट उसे क्या की गई, एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उसे बुलाया, और देन उसको उसे डिसीजन लेने के बाद उसको वापस भेज दिया, तो उसको एक फीस पे की गई, वो आपके अदर सोर्सेज में आएगी। MPs जो आपके MLAs होते हैं, ठीक है, इनकी सैलरी क्या होती है, आपकी अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है, ठीक है, बट इनडायरेक्टली इनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगर आ जाता है रेंट है, कोई भी वैकेंट लैंड की अगर बात की जाए, ठीक है, उसकी जो इनकम आती है वो आपकी अदर सोर्सेज के अंदर आती है। सब लेटिंग वाला पॉइंट क्या था, देखना इस चैप्टर के अंदर ना, जो अभी तक पांच चार हेड किए ना, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, इसका भी रिवीजन होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे थे एक्सेप्शन के अंदर, मैंने आपको बताए थे ना कि जैसे कि सब लेटिंग वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता था, अगर सब लेटिंग की है तो अदर सोर्सेज में आएगा। कोई इंटरेस्ट मिल रहा है लेट इनकम रिसीव होने से, जैसे कि आपको पता है, याद है आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है आपकी लैंड का, याद है, और उस जो भी गवर्नमेंट क्या करती है उसको आपको कंपनसेट करते हैं, उससे आप जब सेटिस्फाइड नहीं होते ना तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं ना, जिसकी कोर्ट के पास जाते हैं ना, उसके ऊपर एक पिटीशन लगाने की, प्रार्थना पत्र लगाने की, जितनी अमाउंट मुझे सरकार दे रही है ना उतनी मैं लेना नहीं चाहता, उससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ, है ना, वो याद है कंसेप्ट। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ रिकॉल करो, पीछे जितने भी लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ उनके ऊपर जाइए और उस चीज़ को रिकॉल कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं रिविज़न का भी है। 3 से 4 पॉइंट इसमें नहीं है, बाकी सभी रिविज़न होने वाले हैं, ठीक है।
तो इनके ऊपर आपको ये सब सारे के सारे इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, या फिर इंटरेस्ट मिल रही है, या फिर आपको रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी पता है कैसे मिलती है? जब आप कोई बुक राइटिंग का काम करते हैं या फिर आप कोई पोएट्री लिखते हैं और वो आप किसी को सेल आउट कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ एक अमाउंट दी जाती है, ठीक है, आपको कंपनसेट किया जाता है, उसे रॉयल्टी बोला जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये 10 पॉइंट है, ये 11 पॉइंट है, इनको समझना है क्या है ये। ये सारे के सारे 11 पॉइंट आपके अदर सोर्सेज में आएंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड को लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉटरी विनिंग एक्सपेंस, लॉटरी से इनकम आ रही है, इसको मैं बताऊंगी अभी, एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो डिविडेंड, दूसरा है आपका गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट जो मिलता है आपको, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इनको मैं इनडेप्थ में समझाऊंगी, जो नॉर्मल समझाने के मैं उसको भी समझा देती हूँ। चलो सबसे पहले फिर हम ऐसे करते हैं, पहले डिविडेंड से स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे आपकी अदर सोर्सेज इनकम के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है ना, राइट, आपको पता है ये प्रोसेस आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करते हैं, कि जो आपका EBIT होता है, EBIT में से आप इंटरेस्ट पे कर देते हो, इंटरेस्ट पे करने के बाद आपको क्या बच जाता है? EBT बच जाता है। EBT, EBIT का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाता है। और ये पैसा किस में बढ़ता है? शेयर होल्डर्स में बढ़ता है। अच्छा, इसके अंदर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड माइनस कर दूँ तो सारा का सारा अमाउंट किसके लिए बच जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच जाएगा। तो प्रॉफिट, डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, उसमें से हम क्या करते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जिसको ये रिसीव हो रहा है तो उसके हैंड में टैक्सेबल होने वाला है ना। तो अ डिविडेंड रेफर टू द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ द कैश में भी हो सकता है, शेयर में भी हो सकता है, एंड अदर एसेट्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड की डेफिनेशन कुछ अलग दी गई है। जैसे नॉर्मली ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की डेफिनेशन होगी कि डिविडेंड का मतलब ये होता है, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड को थोड़ा सा और कंसाइज वे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? अब देखो मैं आपको रीजन बताती हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो यहाँ पे है कंपनी, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये इसके क्या है? पार्टनर है। इन्होंने कहा, कंपनी ने ये क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं फर्म के साथ मिलकर, कि जो ये कम फर्म को भी बेनिफिट हो जाए कि टैक्स कम देना पड़े, पार्टनर्स को भी बेनिफिट हो जाए कि हमारे ऊपर भी टैक्स कम लगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये कहते हैं कि मान लीजिए कंपनी के पास कोई प्रॉफिट है, अमाउंट दे देते हैं इसकी 1 लाख रुपए अप्रोक्स, ओके। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसको इस 1 लाख रुपये में से क्या करते हैं, मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ उसको। मान लीजिए मैंने 80,000 रुपीज़ मैंने सारा का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20,000 एज इट इज़ मैंने क्या कर दिया, शॉप कर दिया कि हाँ मेरा क्या नज़र आ रहा है, प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जितना कम प्रॉफिट होगा उतना क्या होगा हमारे पास, उतना क्या होगा हमारे पास, टैक्स क्या है, कम लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ऐसे तो तुम लोग सारे प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, हैं, और ऊपर से क्या है, इनकम बचेगी नहीं तो टैक्स भी नहीं बचेगा, टैक्स नहीं बचेगा तो सरकार का तो नुकसान हो गया। तो इस सिनारियों के अंदर इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड की जो परिभाषा दी गई है वो अलग दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट आया है डीम्ड डिविडेंड। मीन्स की कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, फर्म होती है, ये सभी क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी टैक्स की चोरी करने के लिए सारा का सारा अमाउंट या तो शेयर के फॉर्म में बांट देते हैं, या फिर किसी गुड्स के फॉर्म में बांट देते हैं, या फिर किसी और तरीके से लोन के तरीके से उस प्रॉफिट को एज ए लोन पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो इस सिनारियो को देखते हैं कि किन किन को ऐसे माना जाएगा कि यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर है एज पर द अकाउंटिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कहते हैं कि डीम्ड इनकम का मतलब समझ लीजिए, ऐसा डिविडेंड, ऐसा इनकम, ये इनकम भी आई थी आपको पता है रेजिडेंशियल स्टेटस में, याद है किसी को? हाँ, तो डीम्ड डिविडेंड का मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा डिविडेंड है जहाँ पर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स की जाती है, मेरा कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड
इनडायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स, मीन्स की इनडायरेक्टली ये शेयर होल्डर को बांट दी जाती है, बाहर से नजर आता है कि ये खर्चा हो रहा है बट इनडायरेक्टली वो क्या होता है, प्रॉफिट इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट कम नजर आएगा तो फर्म कहेगी तो मुझे तो प्रॉफिट भाई हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे इसके ऊपर टैक्स दूं, है एक प्रॉपर लिमिट होती है, इस प्रॉपर लिमिट को अगर मैं क्रॉस कर ही नहीं रही तो मैं कैसे टैक्स दूं। तो इनडायरेक्टली जो भी शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जा रहा है उसे हम डीम्ड इंडिविडेंट कहेंगे, इज इट क्लियर। और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 से ए से लेकर ई तक इसको डिफाइन किया गया है। ओके ओके समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ एक पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है डीम्ड डिविडेंड के रिगार्डिंग, चाहे आपको डिविडेंड मिले डोमेस्टिक कंपनी से चाहे आपको डिविडेंड मिले फॉरेन कंपनी से, ठीक है, वो फुली टैक्सेबल है। ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इसलिए बोल रहे हो कि चाहे डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिले चाहे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिले वो फुली टैक्सेबल है। और डिविडेंड जो डीम्ड माना गया है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 से 22 के ए से लेकर ई तक बताया गया है, ठीक है, स्मॉल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम सरचार्ज इसके ऊपर कितना लगेगा, मीन्स के डिविडेंड के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, वो लगेगा बच्चे आपका 15%। ओके सरचार्ज पता है ना, टैक्स ऑन टैक्स, जब कोई पर्सन एक सुपर क्लास रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी इनकम बहुत ज़्यादा आ जाती है तब लगता है सरचार्ज। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डिविडेंड के ऊपर 15% क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। और टैक्स की रेट कैसे अप्लाई होगी, नॉर्मली जो स्लैब रेट होती है। ये तो मैंने क्राइटेरिया बता दी स्लैब, मतलब टैक्स कैसे लगेगा डिविडेंड के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा मान लीजिए मैंने कोई शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया, उस पैसे को एज अ लोन पे लिया था। तो क्या ऐसा खर्चा जो कि मुझे, जिसके थ्रू मुझे डिविडेंड हो रहा है, या फिर मैं कहूँगी ऐसा नॉर्मल खर्चा जो कि डिविडेंड से रिलेटेड है, क्या मुझे अलाउड है डिडक्ट करने के लिए, मीन्स कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आप गए, ठीक है, और उसके अंदर जाने के बाद आपने 1,00,000 रुपये जीत लिया और उसकी टिकट को बुक करने के लिए आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपये। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन है कि क्या ये 20,000 रुपये मैं खर्चा माइनस कर सकती हूँ, कि इनकम कमाया मैंने 1,00,000 है, कहते हैं 20,000 रुपये मैं माइनस कर दूँ, अब मैं बता दूँ कि मेरी नेट इनकम 80,000 रुपये हुई है, क्या ये अलाउड है या नहीं, क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो आंसर ये रहेगा कि नहीं, अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा है। ये कहते हैं, सरकार कहती है ऐसी इनकम, ऐसी जो भी आप, अब मैंने बताया कि आप कौन बनेगा करोड़पति में गए 1,00,000 रुपये कमाया, वो कहते हैं ऐसा कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते, इवन आपको इसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स जरूर देना पड़ेगा। मतलब कि आपने 1,00,000 कमाया है तो वो सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि 30% हमें दो इसका पैसा, मीन्स कि 30,000 सरकार के पास जाएगा एज अ टैक्स और 70,000 रुपये आपकी इनकम होगी। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आपको ऐसे नॉर्मल खर्चे माइनस करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। बट कौन से खर्चे दिए जाएंगे, केवल 2 से 3 खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने लोन लिया था इस पर्टिकुलर KYC की टिकट को बुक करवाने के लिए, उस लोन के जो इंटरेस्ट होगा, ध्यान से रखना लोन के ऊपर नहीं, इंटरेस्ट जो होगा ना, उस इंटरेस्ट के लिए आपको छूट दी जाएगी, क्लियर है। बट वो छूट भी एक वही बात है, ऐसे तो बहुत सारे लोग लेने लग जाएंगे भाई लोन, है ऐसे तो सरकार कहेगी कि हमें तो फिर नुकसान होगा। तो जहाँ पर भी आपको छूट दी जाएगी कहीं ना कहीं वहाँ पे कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अगर आप उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, लोन लिया है 8,00,000 का और उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है आपका 80,000, क्लियर है, जस्ट अ मिनट, ओके यस, अब ठीक है अब इंटरेस्ट बनता है आपका 80,000, ठीक है। अभी क्या, आप, मैंने आपको बताया कि ये डिडक्टेबल है, आप इसको माइनस कर सकते हो, पर सरकार ने कहा कि ये कंडीशन फॉलो करो, सरकार दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू बता रही है कि या तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैसे, 20% ऑफ डिविडेंट और
एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इनमें आपको क्या मिलने वाला है, आपको डिडक्शन मिलने वाली है। मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 20% ऑफ द डिविडेंड मिलेंगे। मतलब कि मान लीजिए मेरे को डिविडेंड हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ मेरे को, मान लीजिए 5 लाख, एक केस लेके चलती है 3 लाख, ठीक है। ये मुझे डिविडेंड मिला, पहले केस के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि 20% ऑफ द क्या करना है, डिविडेंड करना है। 20% डिविडेंड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरे पास, 80% है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, 20% मिल सकता है डिविडेंड, बट एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है आपकी, 80,000। तो ऑब्वियस ही बात है 80,000 का 80,000 आपका माइनस हो जाएगा, तो एक भी अमाउंट आपको क्या नहीं करनी पड़ेगी, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इन केस आपके पास क्या है, 3 लाख रुपए क्या था, डिविडेंड आया। 3 लाख का 20% क्या होगा, 3 लाख का 20% होगा बच्चे आपका 60,000 रुपये, ठीक है। और आपका खर्चा कितना हुआ एक्चुअल में, 80,000 रुपये। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सिमम डिडक्शंस आपको कितनी मिल सकती है, डिविडेंड की 20% मिल सकती है। तो 20% दैट मीन्स 60,000 की डिडक्शन मिलेगी, 80,000 में से 60,000 एक खर्चा माइनस करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, और 20,000 के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इट्स ओके, ओके। तो चलो आ जाइए यहाँ पर नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शंस टेकन मैक्सिमम अप टू द 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, क्योंकि ये जो अब देखो इन्वेस्टमेंट करना किसी बिजनेस का भी काम हो सकता है, और अगर ये बिजनेस का प्रोफेशन नहीं है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज हेड के अंदर। सो इसीलिए बोला गया है कि आपका केवल 20% क्या है डिविडेंड का, आप केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर क्या ले सकते हो, डिडक्शंस ले सकते हो। इसमें यही बात थी जो याद करने की थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि अगर आपके पास क्या है, अमाउंट ज़्यादा है डिविडेंड का, दूसरा इन केस आपके पास अमाउंट कम है, तो दोनों के सिनारियों के अंदर आपको क्या है, मैक्सिमम डिडक्शंस कितनी मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शंस आपको 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम मिलेगी, ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेक्शन टू सबसेक्शन 22 की, जिसके अंदर हम डीम्ड इनकम के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने बताया आपको ये 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसी देखो इसी सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा डिविडेंड को समझाने में और गिफ्ट को समझाने में, बाकी सारे सेक्शन एक एक मिनट के भी नहीं है, तो ध्यान से समझना है। ये कहते हैं कि अगर किसी कोई भी कंपनी है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, डिविडेंड डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली दे रही है, कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर विच रिलाइज कंपनी एसेट्स, मीन्स कि डिविडेंड देने के तौर पर उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी की एसेट्स को डिक्रीज कर दिया है, उस जो भी कंपनी की एसेट्स उस अमाउंट से डिक्रीज हुई है उसे डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि ज्वेलरी से बिलोंग करती है, ठीक है, उसने क्या किया है, अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए अपने सभी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको एक एक गोल्ड का एक एक सिल्वर का बिस्किट दे दिया। तो यहाँ पर देखो कंपनी की जो एसेट्स है वो तो कम हो गई है ना, कंपनी से तो बाहर चली गई है ना, तो गवर्नमेंट को तो वो दिखा सकती है कि देखो मेरे पास तो है नहीं प्रॉफिट, अब मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि फिर कहाँ गए हैं, या तो आप उनकी सेल दिखाओ, वो कहेगा कि मैंने क्या कर दिए हैं, अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो ऑब्वियस ही बात है डिविडेंड ही है, तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इसको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। सो इसे हम डीम्ड इनकम मानेंगे और ये फुली टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है। देखो पीवीसी जो ज्वेलर है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने मेंबर्स को 1 गोल्ड जो बिस्किट है, ठीक है, गोल्ड का। सो इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए अपने प्रॉफिट, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट और है, क्या है यहाँ पर, कि जो डिविडेंड है ना, जो डिविडेंड है वो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, एक सेकेंड, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं आपके टोटल प्रॉफिट के इक्वल, इज इट क्लियर। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसे प्रॉफिट जिनको आपने बोनस शेयर के, मतलब कि जिनको शेयर में कन्वर्ट किया, और वो भी शेयर कैसे हैं, बोनस शेयर है, राइट। तो दोनों को मिलाकर जितना भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा उसके इक्विवेलेंट आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हो, जो कि डीम्ड माना जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका मान लीजिए 2 लाख रुपए है, और बोनस शेयर कितना है आपके पास, बोनस शेयर है आपके पास 1 लाख रुपए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया फर्म का, 3 लाख रुपए होगा, ठीक है।
अगर कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स को 1.5 लाख के क्या कर रही है, बिस्किट्स, एक बिस्किट मान लीजिए 1.5 लाख का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, समझना इस बात को, तो उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। अगर 3 लाख के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसे भी डीम्ड इनकम माना जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। पहला सेक्शन क्या था कि जब कंपनी की एसेट्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसको याद करने का तरीका बताऊँ आपको, याद करने का तरीका ये है, सेक्शन 22 तो स्पेशली क्या है, डीम्ड इनकम का है। अब इसके अंदर 5 पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ए से ऐसे याद रखोगे कि कंपनी की क्या हो रही है, कंपनी की एसेट्स, ध्यान रखना कंपनी की एसेट्स, सो ए को यहाँ पे पिक करो, इससे इसको लिंक करो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जाता है अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 22 और आपका क्लोज है बी। ये कब कहते हैं कि इन केस जब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है, राइट, या फिर मैं कहूं कि अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है, बोनस शेयर दे रही है। तो यहां पर जो शेयर होल्डर की डेफिनेशन क्या होते हैं, सबको पता है शेयर होल्डर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, एक तो इक्विटी होती है बच्चे और एक आपका प्रेफरेंस होता है, ठीक है। जब मैं बात करूं डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं शेयर होल्डर को, दैट मीन्स इनके अस के अंदर दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। इनको मिलने वाला जो भी ये अमाउंट है, जो डिबेंचर मिले जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिले, उसे डीम्ड इनकम माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी के तहत, ठीक है। बट एज पर देयर बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, बट उसके अंदर शेयर होल्डर कौन होगा, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्लियर है, क्लियर है। कुछ एक कंडीशन है, देखो ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ओके। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर 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 बोनस शेयर ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ओनली बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वहां पर शेयर होल्डर कौन होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर होने वाला है, ठीक है। उसे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा जो भी इसको प्रेफरेंस शेयर मिल, जो भी इसको बोनस शेयर की अमाउंट होने वाली है, ठीक है। अगर कंपनी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिबेंचर्स या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो शेयर होल्डर यहाँ पर दोनों इंक्लूड होंगे, प्रेफरेंस और द इक्विटी, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी सेम एज इट इज, जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी कि जो आपका एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है और आपका क्या है कैपिटलाइज प्रॉफिट है, उस तक डिविडेंड कंसिडर टू बी डिविडेंड बट ओनली टू द एक्सटेंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग द कैपिटलाइज प्रॉफिट, मीन्स की जितना प्रॉफिट है उस वैल्यू तक आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर होल्डर को क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, एज अ इस तरीके से इनडायरेक्टली आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे बस यही बात थी ध्यान रखने की, डिबेंचर और डिपॉजिट है तो दोनों शेयर होल्डर इंक्लूड हो जाएंगे, अगर बोनस शेयर है तो यहाँ पर केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर होगा, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 बी। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसको ये कैसे याद करें, देखो अब यहाँ पर बात की जा रही है दो शेयर होल्डर्स की, राइट, कितने शेयर होल्डर्स की, दो शेयर होल्डर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैं तो बॉस किस तरह से ऐसे लिंक कर सकते हो, या फिर इस तरीके से कर सकते हो कि आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट है डी सी आगे जाएगा बी, लिंक कैसे भी बना लो, वही बात है याद जैसे हो आपको वैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। क्लॉज सी किसके बारे में स्पेशली बिलोंग करता है, ये लिक्विडेशन की सिचुएशन को, कि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, लिक्विडेट होने का मतलब क्या है कि जब कंपनी लॉस में होगी तभी तो लिक्विडेट होगी, है ना, जब कंपनी लॉस में होगी तभी तो लिक्विडेट होगी। इवन लॉस में हो रही है फिर भी शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ वो क्या कर रही है, बांट रही है प्रॉफिट में से, कुछ ना कुछ बांट रही है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट पॉइंट रखा हुआ है। तो सरकार ये कहते हैं कि आप लिक्विडेशन के सिचुएशन में भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, यहाँ गुजारा ही नहीं हो रहा, तुम अपने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लगे हुए लोग, तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, जितना भी अमाउंट आपने अपने शेयर होल्डर को दिया है वो सारा का सारा डीम्ड मान लिया जाएगा, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सी ये कहता है, ठीक है। इसको कैसे काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, नजर आ रहा है, आई होप नजर आ रहा होगा, राइट, ये लो, ये कहते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंट। एक तो क्या हो रहा है कि अगर मैंने कहा कि जो मेरा प्रॉफिट है, मेरा
जितना भी प्रॉफिट है उसके इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्या लिखा हुआ है? इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। किसके इक्वल अमाउंट की बात की जा रही है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग द कैपिटलाइज प्रॉफिट, उसको सिनारियो को पूछा गया है। एक दूसरा है कि जब मैं एक्सीड या फिर ओवर, मीन्स कि जितना मेरा प्रॉफिट है ना उससे ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ अब पर्सन को, अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है। अगर प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख का, ठीक है, प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख का, दिखाई दे रहा है, राइट? प्रॉफिट है मेरे पास कितना है? 1 लाख का, ठीक है। और मैंने क्या किया है, शेयर होल्डर्स को अमाउंट दे दी गई है, ठीक है, इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में दिए, मैंने कैश में दिए, काइंड में दिए, शेयर में दिए, किसी में दिए, उसका भी वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। तो इस पूरी की पूरी अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा? इस पूरी की पूरी अमाउंट को ट्रीट कर लिया जाएगा डीम्ड इंडिविडेंट, ठीक है। और ये जो अमाउंट है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? जिसको मिला है, ऑब्वियसली बात है, रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होगी। किस हेड में होगी? अदर सोर्सेज हेड के अंदर होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे को जो इंटरेस्ट मिला, सॉरी जो अमाउंट मिला है वो कैसा, किस कैसा मिला है अमाउंट मिला, वो कैसा मिला है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से एक्सीड में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, बट मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 180 के करीब वैल्यू। तो यहाँ पर 180 का मतलब क्या है? एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है। तो यहाँ पे इसको बायफॉरगेट करो, 180 पहली बात तो प्रॉफिट जितना है उसको उसने में बांट दो, 1 लाख है, तो ये तो सेम एज इट इज, जैसे इसकी ट्रीटमेंट हुई थी सेम एज इसकी भी ट्रीटमेंट होगी। इसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, अदर सोर्सेज एड के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो मैम 80,000 का क्या होगा? 80,000 का ये होगा कि आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए होंगे, तभी तो वो आपको रिफंड कर रहे हैं ना, तभी तो आपको एज अ डिविडेंड दे रहे हैं ना। तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी आपको एक्सेस में अमाउंट जो मिल रही है तो वो एज अ कंसिडरेशन है कि आपके शेयर क्या हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं। आपने एक रिन्यूशमेंट का पॉइंट पढ़ा था, रिन्यूशमेंट का पॉइंट पढ़ा था जिसके अंदर कैपिटल गेन हेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब आप क्या कर रहे हो, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, ये मान लिया जाता था कि सबके राइट, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबके राइट क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उन सबके राइट क्या हो रहे हैं, गिव अप हो रहे हैं। तो इस सिनारियो में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एज अ कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा कि जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके बदले में उनको, जितने शेयर्स थे उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब मेरे पास 80,000 मुझे मिला, ठीक है, मैंने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरी क्या हो गई है, 80,000 हो गई है, जितने में मैंने खरीदा था उसको माइनस कर दो, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा आपकी कैपिटल गेन हेड के अंदर। सिंपल, सो सिंपल, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे? तो लिक्विडेशन के अंदर ये एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि एग्जाम में अंदर यही क्वेश्चन आया हुआ है, ओके? चलो नेक्स्ट जाते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22D के बारे में बात की जा रही है। ये क्या होता है कि जब कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होती है, कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि कंपनी की जितने शेयर वैल्यू थी, मान लीजिए कंपनी की जो शेयर वैल्यू 10 रुपीज थी, ठीक है, कंपनी ने इसको डिक्रीज करके 8 रुपीज कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है 2 रुपये कहीं ना कहीं तो गए होंगे, है ना, वो ये मान लिया जाएगा कि वो शेयर होल्डर्स को बांट दिए गए। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज बी के अंदर ये डिफाइन किया गया कि जब शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट क्या माना जाएगा, कब, बाय द कंपनी ऑन द रिडक्शंस ऑफ द इट्स कैपिटल, जब उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी तो उसे मान लिया जाएगा कि वो शेयर होल्डर्स को बांट दिया गया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पर्सन ये करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने टैक्सेस को बचाने के लिए वो क्या है, काफ़ी सारे पैथर, काफ़ी सारे तरीकों को अपनाती है कि हाँ किसी ना किसी तरीके से मेरा क्या है, टैक्स कम हो जाए। तो ये कहते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, अब यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, बाकी जितने भी आपने हेड किए सेक्शन टू सब सेक्शन 22A से लेकर D तक के सबके अंदर ये कंसीडर किया जाता था, बट E के अंदर ओनली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, और बाय द क्लोज हेल्ड कंपनी। क्लोज हेल्ड कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, या फिर वो मैं कहूँ कि अभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी लिस्टेड नहीं हुई है, या फिर मैं कहूँ कि पब्लिक अभी तक उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उसके शेयर को परचेज करने में, ठीक है। तो वैसी कंपनी अपने प्रॉफिट को कम कैसे करेगी भाई? अब ऑब्वियस ही बात है उसके पास इतने शेयर होल्डर तो होंगे नहीं, ना ही वो बोनस शेयर इशू कर रही है। तो इस सिनारियो के अंदर ये प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, अपने जितने भी हैं सफिशिएंट, जितने भी अमाउंट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं
उनको एज अ लोन दे देती है। तो ये क्या है, एडवांस लोन देना किसी भी बेनिफिशियरी को जो कि उसकी कंपनी में 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग की हुई है, उस पर्सन को एज अ लोन दे रहे हो, या फिर उस पर्सन की बजाय उसके किसी भी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, मीन्स कि उसके बिहाव पर किसी अदर पर्सन को दे रहे हो। मान लीजिए मेरे बिहाव पर आप मेरे ब्रदर को दो, मेरे सिस्टर को दो, या फिर मेरे किसी भी रिलेटिव्स को दो, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी कभी भी जब क्या है किसी बेनिफिशियरी को दे रही है जिसकी होल्डिंग उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग है, और या फिर मेरे बिहाव पर किसी और को दे रहे हो, तब भी ये लोन इसको डीम्ड इनकम माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, या फिर किसी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर किसी पर्सन का वोटिंग राइट, या फिर मैं कहूँ कि उनके अंदर जो इक्विटी के जो राइट है वो 20% से ज़्यादा होते हैं, उस सिनेरियो के अंदर अगर पैसा ट्रांसफर किया गया है तो उन सबको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, क्लियर हो गया टॉपिक कंप्लीट, डिविडेंड का टॉपिक हो आया समझ में, सो सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है, कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है कि ऐसी इनकम जिसके ऊपर ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कम मेहनत लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कैसी इनकम आएगी, जैसे कि आपकी लॉटरी की इनकम आ गई, सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ये वाला, ये फर्स्ट आगे हो गया, क्लियर अब आप सभी को। इनकम फ्रॉम द विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉस पजल हो गया, रेस इंक्लूडेड है, जैसे कि हॉर्स रेस हो गया, डॉग रेस हो गया, कैट रेस हो गया, ठीक है, कार्ड गेम है या फिर अदर कोई गेम है, ठीक है, या फिर गैम्बलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, या फिर किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं, तो इस तरीके की इनकम कैसी इनकम कहलाई जाएगी, वो आपकी कैजुअल इनकम कहलाई जाएगी। और ध्यान से